अगर आपको 2024 के अंदर K-pop इंडस्ट्री के अंदर जाना है, ऑडिशन देना है, तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको जितनी भी एजेंसीज मिलती हैं, जिन भी एजेंसीज के ऑडिशंस निकलते हैं, आपको हर एजेंसी में अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर हम बात करें 50-50 की, तो आप जानती हैं 50-50 का क्यूपिड सॉन्ग कितना पॉपुलर हुआ था अपने टाइम में। इसी वजह से इस एजेंसी को और इस ग्रुप को काफी ज्यादा जाना जाता है। जब ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था तो इस ग्रुप के अंदर 4 मेंबर्स थे, लेकिन फिलहाल अभी ओरिजिनली 1 ही मेंबर बचा है। जी हाँ, कीनिया की हम बात कर रहे हैं। कीनिया सिर्फ ओनली 1 मेंबर बची हैं जो इस ग्रुप के अंदर अभी फिलहाल हैं। और जो 3 मेंबर्स थे यानी सीओ, अरान और साइना ने इस ग्रुप को छोड़ दिया है ड्यू टू कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट हुआ क्यों हुआ, इसके पीछे के क्या रीजन है और क्यों इन 3 मेंबर्स ने इस ग्रुप को छोड़ दिया। अट्रैक्ट जो एजेंसी है जिसने 50-50 ग्रुप को बनाया, उसने कुछ टर्म्स और कंडीशंस रखी थी जिससे कि ये तीनों मेंबर्स इसको डिसएग्रीमेंट कर रहे थे। कुछ न्यूज आर्टिकल में रीजंस को काफी ज्यादा वेयर्ड बताया गया है, जैसे डिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अनफेयर टर्म्स और अब्यूसिव प्रैक्टिस। तो 50-50 ग्रुप के मेंबर्स ने क्यों 50-50 ग्रुप को छोड़ा इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी, इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो अट्रैक्ट कंपनी है वो ऑडिशन होल्ड कर रही है। और अगर आपको ऑडिशन देना है, क्या करना है, वो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने अट्रैक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोला हुआ है और ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपको सब कुछ टोटली डिटेल में देखने को मिल जाएगा। आप अगर इनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज देखेंगे तो आपको सिर्फ 1 मेंबर के ही फोटोज देखने को मिलेंगे, बिकॉज अब इस ग्रुप के अंदर 1 मेंबर है और रिक्वायरमेंट 3 मेंबर्स की ओर है। वहीं अगर आप इनका यूट्यूब चैनल भी देखेंगे 50-50 ऑफिशियल, यहाँ पर भी आप देखेंगे सिर्फ आपको 1 मेंबर का ही फोटो देखने को मिलेगा। बाकी जो मेंबर्स हैं, मैंने जैसा आपको बताया, वो इस ग्रुप से लेफ्ट हो चुके हैं। ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर 50-50 ऑडिशन 2024 देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। दूसरा, जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। थोड़ा सा ही नीचे चलेंगे तो हमें सब कुछ देखने को मिलेगा कि भाई बेसिकली कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या क्राइटेरिया है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही मैं पहला पॉइंट पढ़ता हूँ तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया एक्सक्लूडिंग कोरिया, यही लोग ऑडिशंस दे सकते हैं। इधर साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर जब इस एजेंसी ने क्लियर कर दिया है कि साउथ ईस्ट एशिया वाले ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो फिर ग्लोबल ऑडिशन का कोई मतलब नहीं बनता। कहने का मतलब साफ है कि इंडिया वाले इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम आता है। और आइलैंड की बात करें तो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं वो आती हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते 2024 50-50 ग्लोबल ऑडिशन के अंदर। तो मुझे ये वीडियो यहाँ पर ही स्टॉप करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि ये जो ऑडिशन फॉर्म है पूरे ओवर ऑल द ग्लोबली निकले हुए हैं और कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके अंदर, तो हमें साफ साफ नज़र आता है कि इंडिया और इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज़ नहीं आती। तो गाइस, वैसे तो इसके अंदर आपको बहुत कुछ जानने को मिलता जो मैंने सोचा था कि ये सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एलिजिबिलिटी को देखने के बाद इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट चाह कर भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन में साफ साफ देख सकते हैं सिंगापुर से इनको एक्सक्लूसिव चाहिए ही चाहिए, और जो ऑनलाइन अगर है तो ऑनलाइन में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से ही ऑडिशंस पॉसिबल हो पाएगा। बाकी गाइस, और किसी केपॉप इंडस्ट्री के ग्लोबल ऑडिशंस निकलते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली कंफर्म करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो गाइस, आज की वीडियो को यहाँ पर ही स्टॉप करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।